छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास, यानी कि आपका जो टाइटल है आप सभी ने पढ़ ही लिया होगा। और जो हमारी क्लासेस है उसके बारे में ही चर्चा करेंगे, जो कि 8 नवंबर से बिल्कुल फ्री और मेंबरशिप में परचेस कर सकते हैं। वहां पर आपको 999 रुपए की क्लास मिल जाएगी, जो आपके आगामी एग्जाम, प्रयोगशाला परिचालक, एडीओ, हॉस्टल वार्डन, आगामी जितने भी होगा वहां में छत्तीसगढ़ के टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण हम बात यह करते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो मराठा शासन है, यानी कि हमने एनालिसिस किया है कि छत्तीसगढ़ में बहुत से टॉपिक आपके आधुनिक इतिहास से प्रश्न उठा रहा है, व्यापम और पीएससी, वो भी डीपली, है ना। जो ऊपरी ऊपरी जो पढ़ते हैं ना वो तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा अंदर अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ आपका इजिली व्यापम का एग्जाम निकल जाएगा। उसी प्रकार आपका मैं बात करूंगा, यहाँ पर नोट करके चलेगा, सब क्वेश्चन करेंगे, है जितने भी है, अभी जितने भी व्यापम में पूछे गए आधुनिक इतिहास से वो क्वेश्चन हम अभी करेंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन से टोटल, हम यहाँ पर टोटल मैं बात करूं तो 70 क्वेश्चन से अधिक प्रश्न में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं। मुख्य टॉपिक आप लोग समझ लीजिएगा फिर, है ना। और पहली बार आए तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बात करने वाला हूँ, परीक्षा आपको 2 घंटे की रहेगी, जिसमें डेट आप देख लीजिएगा, आज का तारीख है 5/11/2023, शाम 7:30 बजे की क्लास है ना। डेली क्लास कराया जाएगा, यूट्यूब पर बिल्कुल अपलोड किया जाएगा। मेरी बातें ध्यान से समझना, मुख्य बातें आपको बताऊंगा, प्रारंभ आपको बताऊंगा और समय आपको बताऊंगा। तो मुख्य बातें पहला आपका नोट करिएगा कि आपको प्रयोगशाला परिचालक, ठीक है, प्रयोगशाला परिचालक का, इसमें आपका छत्तीसगढ़ का आपको कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो छत्तीसगढ़ का आपका रहेगा 40 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे छत्तीसगढ़ का। और स्वीपर, द्वितीय, चौकीदार, इसका टोटल आपका कितना रहेगा, टोटल आपका 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए इसलिए मैं कह रहा हूँ छत्तीसगढ़ की क्लासेस करना है तो 8 नवंबर से लाइव क्लास लिया जाएगा और यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री अपलोड किया जाएगा, ठीक है। प्रारंभ होगा आपका हमारा 8 नवंबर से, 8 नवंबर से हमारी क्लास प्रारंभ होगी, लाइव क्लास। समय मैंने आपको बता दिया था हाल ही में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है। इसके बाद हम आधुनिक इतिहास से चर्चा करेंगे, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समय आपको मैं बता दे रहा हूँ, सुबह, है ना, सुबह आपका क्लासेस रहेगा 8 बजे, सुबह आपकी क्लासेस लगेगी 8 बजे। इसके बाद आपका रहेगा दोपहर को आपका रहेगा 3 बजे, ठीक है, 3 बजे। और शाम को आपका रहेगा, शाम को जो हमारा बैच लगेगा, ठीक है, शाम को जो हमारा बैच लगेगा, ठीक है, शाम को जो हमारा बैच लगेगा वो नोट कर लीजिएगा, हमारा 7:30 से 7:30 से 8:30, ये टाइम आप लोग नोट कर लीजिएगा। और मेन पॉइंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ के टॉपिक में डेली क्लास कराऊंगा, उसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा सामान्य विज्ञान है, सामान्य विज्ञान का टोटल 60 अंकों के 60 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके प्रयोगशाला परिचालक में। और आगामी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, हॉस्टल वार्डन, एडीओ, जितने भी आपके व्यापम में परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास, छत्तीसगढ़ का टॉपिक जिसमें हमारा आपका रहेगा आधुनिक इतिहास से, ठीक है। तो देखिए ये आपका ऑप्शन में इसलिए आपको डाल दिया हूँ, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, 30 नंबर पर आप लोग हमारे, 30 नंबर पर, ठीक है, इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं कि सर इसका पीडीएफ चाहिए करके, ठीक है। तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 93 99 27 87 82, ठीक है। चाहे तो आप इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर या फिर टेलीग्राम हम बनाएंगे, ठीक है, टेलीग्राम 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा, न्यू बैच प्रारंभ किया है उसमें, तो
तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लासेस रहेगी, है ना। आज की जो क्लासेस रहेगी आपका टोटल, एक मिनट ना, थोड़ा सा टोटल आपकी जो क्लास लगेगी, टोटल आपका रहेगा 70 से अधिक, 70 से अधिक आधुनिक इतिहास के क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। इसका थ्योरी क्लास आपको मिलेगा, इसका थ्योरी क्लास भी आपको मिलेगा। पहले आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लीजिएगा, आप एक बार मिलान कर लीजिएगा, जो आप व्यापक के जो तैयारी कर चुके हैं 2 से 3 साल, है ना, तो एक बार यहाँ पर आप अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम आपको थ्योरी क्लास भी कराएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मराठा शासन का, शासन का, प्रत्यक्ष शासन का, ये टॉपिक जो आपके बिंबाजी भोसले 1758 से 1787 ईस्वी तक, दूसरा है चिमनाजी भोसले जी जो 1787 से 1788, तीसरा है वैकुंठजी भोसले 1788 से 1811, पूसा जी भोसले 1811 से 1816, पांचवा है आपका अप्पा जी भोसले जो है 1816 से 1818 में, है ना। ये टॉपिक भी हम आपको कराएंगे, पूरा टॉपिक हम कराएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये वाला टॉपिक क्रम और एग्जाम में पूछ लिया जाए, अगर आपको याद नहीं है तो क्या करो तुम्हें बताओ, है ना। इसीलिए कह रहा हूँ कि प्रयोगशाला परिचालक अगर आप तैयारी कर रहे हैं, है ना, 10वीं बेस से फॉर्म डला रहा है, 10वीं बेस से, इसमें प्रयोगशाला परिचालक के लिए आपका विज्ञान, सामान्य विज्ञान का आपका रहेगा, है ना, सामान्य विज्ञान का आपका रहेगा, इसमें आपका भौतिकी, भौतिकी रसायन, ठीक है, और आपका हो जाएगा जीव विज्ञान। ये तीनों टॉपिक आपका पूछे जाएंगे, 20-20 नंबर का रहेगा। इस प्रकार ये तीनों का मिलकर स्टेपेज बन रहा है 60 अंकों का प्रश्न सामान्य विज्ञान से, और आपका छत्तीसगढ़ से 40 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, है ना। बाकी आपको कंप्यूटर, गणित, है ना, ये सब रीजनिंग वगैरह से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ये भाग 1 वीडियो है, और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि देखिए पीडीएफ आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर वीडियो में आप कवर करते नहीं चलोगे तो आप पिछड़ जाओ, ठीक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ये सभी क्लासेस हम करेंगे। इससे पहले ये देखिए सभी आपके व्यापम में पूछे गए हैं, सभी आपके व्यापम में पूछे जाने वाले प्रश्न है ना। ये सभी टॉपिक हम आपको कराएंगे, ठीक है। शासन का, राजधानी, बिंबाजी की रानियां, प्रमुख पदाधिकारी, जो आपके एग्जाम में सब टॉपिक पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति के सूत्रधार कौन है, तो आप बताएंगे बिंबाजी भोसले। परगना पद्धति का निर्माण विट्ठलराव दिनकर ने किया है। यूरोपीय यात्री कौन किसके शासनकाल में आया था, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाए, है ना। सब देखेंगे शहीद वीर नारायण सिंह, सम्मानपुर, जितना भी 1857 की क्रांति यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है, जितने भी टॉपिक एग्जाम में पूछे जाते हैं वह टॉपिक से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। यूरोपीय यात्री कोल ग्रुप 1787 में आगमन हुआ, है ना, ये सब टॉपिक हम करेंगे, ठीक है। पूरा टॉपिक करेंगे, ये सब एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं। तो रामायण, दीपिका, विक्रम विलास एवं ब्राह्मण स्त्रोत जैसे प्रसिद्ध कृतियों के लेखक कौन है, तो ऑप्शन सी होगा रेवाराम बापूजी। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने छत्तीसगढ़ के राजस्व व्यवस्था को, है ना, छत्तीसगढ़ के राजस्व व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 3 वर्षीय राजस्व व्यवस्था लागू की है। कितने वर्षीय? 3 वर्षीय, याद रखना, एग्जाम में अच्छे से कवर करके जाइएगा। 3 वर्षीय लागू किया गया है, तो आपका हो जाएगा चार्ल्स इलियट। और चार्ल्स इलियट कौन है? छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश अधिकारी है। कौन है? ब्रिटिश अधिकारी। सब टॉपिक वाइज आपको कराऊंगा,
ये आपका भागवान वीडियो है, भागवान। ये आज से आपका टोटल सीरीज बाय सीरीज आपकी क्लासेस चलेगी छत्तीसगढ़, है ना। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को अधिक से अधिक इसको शेयर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले एग्जाम की तैयारी हो सके और आपके आगामी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनका भी अच्छे से क्वेश्चन हो सके। तो आप लोग सिलेक्टेड क्वेश्चन लगाइएगा। तो चलिए आप लोग बताइएगा कि देखिए आप डेट भी देख सकते हैं, 5/11/2023 का डेट है ना। ये मैंने खुद अभी एनालिसिस करने से इस वीडियो को मैं बनाया, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको मिलेगा, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा इस नंबर पर। आप यहाँ पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको बताया, यहाँ पर इस पे आपको मैसेज करना होगा तो आपको मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप में सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि राज्य का प्रथम मराठा शासक है ना, राज्य का प्रथम मराठा शासक कौन है। तो राजकुमार बिंबाजी भोसले, कैप्टन हंटर के बाद किसने छत्तीसगढ़ अधीक्षक बना, कैप्टन हंटर के बाद कैप्टन सैंडी, ठीक है। कौन है कैप्टन सैंडी। यह जब भी देखिए यहाँ तो सभी आपके क्वेश्चन पूछते हैं, वर्ष 1934 में छत्तीसगढ़ में हरिजन सेवा संघ की अध्यक्ष गठित हुआ था, वह आपका श्यामलाल सिंह गुप्त है। 1906 में स्थापित सामित्र मंडल के माध्यम से सुधारों को श्री गणेश किसने किया था, तो आप बताएंगे सुंदरलाल शर्मा। कौन है सुंदरलाल शर्मा जी, है ना। सुंदरलाल शर्मा को स्वप्न स्वप्न दृष्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वप्न दृष्टा भी कहा जाता है, स्वप्न दृष्टा भी कहा जाता है। पंडित सुंदरलाल शर्मा स्वप्न दृष्टा का संकल्पनाकार किसे कहा जाता है, यह भी आपके एग्जाम में हर एक बार पूछता है, ठीक है। मराठा ने अपने शासन काल में छत्तीसगढ़ कितने सूबों में बांटा है, कितने सूबों में। तो ये आपका आएगा 8 सूबों में बांटा है। वो कौन कौन से बांटा गया है आपको मैं इस थ्योरी वाले क्लास में कराऊंगा, है ना। कौन कौन से वाला टॉपिक में बांटा गया है इसको मैं आपको कराऊंगा। यहाँ से पूरा प्रत्यक्ष मराठा शासक, अप्रत्यक्ष मराठा शासक, ये पूरा आपका जो पूरा टॉपिक है यहाँ से, है ना, ये पूरा टॉपिक है यहाँ से। एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे तो डेली आप लोग बने रहिएगा, आपको टोटल हम क्लास कराएंगे, यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे। क्योंकि देखिए ये वाला टॉपिक दुल्हनी मत कहाँ है, तब पर रायपुर में बिंबा जी कोट पाट की संधि 1778, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने के संभावनाएं हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन करना चाहते हैं तो बने रहिएगा, फिर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते रहेगा। आपको मैं बता दिया मुख्य बात, प्रयोगशाला परिचालक की क्लास चल रही है, जिसमें ये सुबह से 8 बजे, दोपहर 3 बजे और शाम 7:30 से 8:30 बजे, ठीक है। तो देखिए 8 सूबों बांटा गया है। छत्तीसगढ़ का पहला कांग्रेस, सॉरी, छत्तीसगढ़ का पहला अंग्रेज अधीक्षक कौन था, कैप्टन एडमंड, ठीक है। कैप्टन स्मिथ कौन है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, कौन है कमेंट करके बताइएगा। नागपुर के भोसले शासक के शासनाधीन क्षेत्र छत्तीसगढ़ पर ब्रिटिश संरक्षण नियंत्रण की स्थापना हुई है, तो यह आपको 1818 में, है ना। और ये आप लोग याद रखना, सूबा शासन कब प्रारंभ किया गया था, सूबा शासन व्यवस्था, सूबा शासन व्यवस्था कब प्रारंभ किया गया था, तो आप बताएंगे 1818 से, 1818 से 1888 ईस्वी में। ये टॉपिक आप लोग अच्छे से याद रखना, सूबा शासन व्यवस्था। पंडित सुंदरलाल शर्मा का जन्म स्थल कौन सा है, राजिम। ये आपके एग्जाम 2023 में, 23 के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। विख्यात सोना खान के जमींदारी कौन सा स्थित है, बलौदा बाजार। कहाँ के हैं, आपके
वीर नारायण सिंह कौन है? वीर नारायण सिंह, ठीक है, वीर नारायण सिंह जी है। कौन है? वीर नारायण सिंह जी है, 1857 की क्रांति वाला, जो बलौदाबाजार जिले से संबंध रखते हैं। और छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद कौन है? छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद कौन है? प्रथम शहीद आपका हो जाएगा वीर नारायण सिंह जी हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसको फांसी कब दी गई है, फांसी की सजा कब दी गई थी, तो ये आप बताएंगे 10 दिसंबर 1857, ठीक है, 10 दिसंबर 1857 को, है ना। कौन सा चौक पर? रायपुर के जय स्तंभ चौक पर, रायपुर का जय स्तंभ चौक में, किसके कहने पर? चार्ल्स इलियट के कहने पर, किसके कहने पर? चार्ल्स इलियट, किसके कहने पर? किसके कहने पर? तो चार्ल्स इलियट के कहने पर, चार्ल्स इलियट के कहने पर। इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेंगे। अगर ये टॉपिक आपने पढ़ लिया तो सबसे आपका एग्जाम से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है क्या? मेरी बात आपको समझ में आ रही है ना? ठीक है, है ना। तो मेरी बातें आपको क्लियर आ रही होगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, मेरी बातें आपको क्लियर आ रही है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना, टॉपिक को, है यहाँ से वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद, और अंतिम शहीद कौन है? सुरेंद्र शाह। अंतिम शहीद कौन है छत्तीसगढ़ के? अंतिम शहीद, यहाँ पर देखिए, अंतिम शहीद पूछा जाए, अंतिम शहीद कौन है? तो सुरेंद्र शाह, सुरेंद्र शाह कहाँ के जमींदार थे? संबलपुर के जमींदार थे। कहाँ के जमींदार थे? संबलपुर के जमींदार थे, संबलपुर, ठीक है, ये वाला पॉइंट याद रखना। इतना आप यहाँ से पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन यहाँ से आपका नहीं छूटने वाला, ठीक है, नहीं छूटेगा, ओके। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, जो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है। अगर वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपका कवर हो जाएगा। जेल पत्रिका का संचालन किसके द्वारा किया गया था? पंडित सुंदरलाल शर्मा, माधवराव सप्रे, रविशंकर शुक्ल, डॉक्टर हरि सिंह गौर। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चर्चित रायपुर राजनीतिक सम्मेलन आपका हुआ था 1920 में, ठीक है। और आप सभी के लिए क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी, ठीक है, छत्तीसगढ़ में आपका, 1 मिनट, एक मिनट ना, थोड़ा सा वेट करो। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी, आपका छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी का आगमन कब हुआ था? महात्मा गांधी का आगमन कब हुआ था? कब? तो इसका आगमन हुआ था, प्रथम आगमन 20 जनवरी,
20 जनवरी, एक मिनट ना थोड़ी, यहाँ पर आपका इसको छोड़ दीजिएगा ना, 20 जनवरी, ठीक है, 20 जनवरी को आगमन हुआ, 20 जनवरी 1920 को, ठीक है। और द्वितीय आगमन कब हुआ था तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ये आप याद रखना, 1933 में इसका द्वितीय आगमन हुआ था महात्मा गांधी जी का, है ना। तो करेक्ट आंसर आपको बताइएगा क्या होगा, 1924 में पंडित रविशंकर शुक्ल ने कौन सी पत्रिका निकाली थी, तो कौन सी पत्रिका निकाली थी। आप देखिए क्वेश्चन अलग अलग नहीं पूछना, क्योंकि यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ आधुनिक इतिहास से क्लासेस चल रही है, आधुनिक इतिहास से इतिहास क्वेश्चन करिएगा, ठीक है आप, ठीक है इतिहास चल रहा है, आप बोलेंगे कि सर 2005 में क्या हुआ था, ऐसा क्वेश्चन थोड़ी ना बनता है, मतलब ऐसे जो पूछते हैं ना वो बेकार आदमी, जिस क्लास के समय जो प्रश्न पूछा जाए वही ठीक रहता है। कब से भोसले राजकुमार बिंबा जी ने छत्तीसगढ़ प्रथम मराठा शासन के रूप प्रत्यक्ष रूप से स्थापित किया था, प्रत्यक्ष, देखिए प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया गया था 1757, 1757। अब यहाँ पर देखिएगा, थ्योरी में आपको मैं समझाऊंगा, 1757 से जो प्रारंभ किया गया था, यहाँ से देखिए यहाँ पर, ये आपका छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास जो है, छत्तीसगढ़ मराठा शासन का जो कलचुरी के पतन की जो शुरुआत हुआ था, ये आपके 1741 से 1854 में, है ना, ये आपके सीजीपीएसटी, ठीक है, सीजीपीएसटी प्री के एग्जाम 2023 में पूछा गया है। अभी कौन सा क्लास चल रहा है, अभी ये आपको पूरा कंटिन्यू क्लास कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ मराठा शासक, अप्रत्यक्ष मराठा शासक, प्रत्यक्ष बिंबा जी, चिमना जी, ये सभी यहाँ से पूरा टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये सभी टॉपिक आपको कराऊंगा, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है याद रखना। हम जानेंगे छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास जो आपके यहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है, छत्तीसगढ़ का मराठा शासक, ये टॉपिक अभी हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ से 1855 में छत्तीसगढ़ की नियुक्ति डिप्टी कमिश्नर थे, तो आपका चार्ल्स एलियट, कौन सा हो जाएगा, बी आपका चार्ल्स एलियट होगा। कवि माखनलाल चतुर्वेदी को ब्रिटिश शासन में किस वर्ष गिरफ्तार कर सजा दी गई थी, तो आप बताएंगे इसका आंसर सी होगा, सन 1921 में। देखिए यहाँ पर आज संविधान नहीं पूछेगा, सिर्फ भारत का भूगोल बस पढ़ना है आपको, प्रयोगशाला परिचालन, ठीक है। रायपुर जिला परिषद प्रसिद्ध सम्मेलन 1926 कब हुआ था, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है, पर छोड़ता हूं ना इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। और रही बात यहाँ पर झंडा 17 का था, तो 1923 में आप लोग याद रखना, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, 1923 वाला, 1923 झंडा सत्याग्रह, झंडा सत्याग्रह आंदोलन, आंदोलन, ठीक है, ये आपका हुआ था झंडा सत्याग्रह आंदोलन बिलासपुर, बिलासपुर में, ठीक है, कहाँ, बिलासपुर में, रायपुर में भी हुआ था, लेकिन सबसे पहले याद रखना आपका बिलासपुर, ठीक है। ये आपका 1920 बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन, है ना, आपका ये आ जाएगा 1920 बीएनसी मिल आंदोलन, बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन आंदोलन, ठीक है। जंगल 17 का भी क्वेश्चन करेंगे, इसको तो पढ़ लीजिएगा, ये 1930 गोपाल कृष्ण गोखले का आगमन कब हुआ, 1930 में किसके साथ, ठीक
इसके साथ कमेंट करके बताओ, ये सत्याग्रह से संबंधित है, जंगल सत्याग्रह। ठीक है, 1 मिनट, जंगल सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह। ठीक है, धमतरी जंगल सत्याग्रह 9 अगस्त, आप सभी को मालूम हो ना, तमोरावादी दयावती कौन है, किसको तमाचा मारा था, कमेंट करके बताया आपको। दयावती किसको तमाचा मारा था, किसने किसको मारा था, दयावती जो है आपको किसको तमाचा मारा था, 18 वर्षीय दयावती, 18 वर्षीय। ठीक है, याद रखना, जो आंदोलन हुआ था उसमें जो रैली निकली गई थी, ठीक है, 18 वर्ष की जो दयावती है किसको तमाचा मारा था, आप कमेंट करके बताइएगा, तमाचा किसको मारा गया, कमेंट करके बताइए। एपी खरे इस्तीफे के बाद कौन सा मध्य प्रांत बरार के मुख्यमंत्री बने थे, तो रविशंकर शुक्ला जी हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का मान सर्वप्रथम विधानसभा में कब उठा, 1955। ठीक है, छत्तीसगढ़ की रियासतें भारत का संघ के मध्य प्रांत में विलय कब हुआ, ये आपका हुआ 1 जनवरी। ठीक है, 1 जनवरी 1948। छत्तीसगढ़ का प्रथम सूबेदार कौन है, यह तो आप सभी को मालूम होगा, विट्ठल राव दिनकर कौन है, केशव गोविंद कौन है, भिकाजी गोपाल कौन है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस डिस्क्रिप्शन के नीचे। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके। छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति की उपाधि किसने धारण की थी या किसने दी गई थी, तो आप बताएंगे ठाकुर प्यारे लाल सिंह जी ने। और आप सभी बताइएगा पत्रकारिता के जनक कौन है, माधा राव सप्रे, और ठाकुर प्यारे लाल सिंह कौन है, ये आप याद रखिएगा। हाँ, माधा राव जो सप्रे है आपको पत्रकारिता के जनक है, पत्रकारिता जनक है ना, तो पत्रकारिता के जनक या सूत्रधार भी कह सकते हैं, सूत्रधार भी कह सकते हैं। ठीक है, ठाकुर प्यारे लाल सिंह कौन है, सहकारिता के जनक है, कौन है, सहकारिता के जनक है, कौन है, सहकारिता के जनक। रविशंकर शुक्ल कौन है, ई राघवेंद्र कौन है, कमेंट करके बताओ ना भाई, सभी का आंसर मैं थोड़ी ना बताऊंगा, आप लोग भी कुछ मेहनत करो। राज्य की प्रथम महिला शासक थी प्रफुल्ल कुमारी देवी, यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि किसने धारण की थी, तो ये आपको हो जाएगा रुद्र प्रताप देव। रुद्र प्रताप देव किससे संबंधित है, 1910 भूमकाल विद्रोह, भूमकाल विद्रोह है ना, भूमकाल विद्रोह, विद्रोह से आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा है ना, जितने भी विद्रोह हैं, जितने भी छत्तीसगढ़ में विद्रोह है, छत्तीसगढ़ में विद्रोह है, वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि विद्रोह में क्या आएगा, मुरिया मुरिया भूमकाल विद्रोह, ये सब मुरिया है ना, गोकुल पाटी, जितने भी विद्रोह होते हैं आप सभी के सभी क्लास कराऊंगा आपको, एक दिन नहीं, अभी पहले आधुनिक इतिहास की क्लास चलेगी, उसके बाद देखेंगे कि विद्रोह वगैरह क्वेश्चन वगैरह सभी देखेंगे। ठीक है, ये सभी देखेंगे, दरिया देव अजमेर सिंह, ये सभी आपके विद्रोह से संबंधित हैं है ना, ये भी टॉपिक लेकर आऊंगा मैं, जितने भी टॉपिक आपको कवर करा रहा हूँ वो टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, होमरू लिंग योजना प्रतिनिधित्व तो किया गया था राय बहादुर ठक्कर, ये क्वेश्चन हो गया है, ये भी क्वेश्चन हो गया है। मध्य प्रांत बरार के गवर्नर के पद पर नियुक्त होने छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति कौन है, एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको नोट कर लो ना, थोड़ा थोड़ा नोट कर लो, दिमाग में रख लो कि मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा यानी कि गवर्नर के पद पर नियुक्त होने वाले कौन है,
देखिए यहाँ पर कॉल ना करें ना, यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं आपको। मैं बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पर मैसेज करिएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आपको राघवेंद्र का आंसर ए होगा। किसने गांधी निर्माता का नाम ग्रंथ में लिखा है, इसको छोड़ दो। सूरत अधिवेशन आपको मालूम होगा, सूरत अधिवेशन 1907। बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905, है ना। यहाँ से क्वेश्चन बनते, जो जो टॉपिक यहाँ से बन जाता है उसको मैं टॉपिक कराते हैं। ये आपके सीजीपीएससी में 2016 में पूछा है, इसका आंसर होगा 1863। देखिए कहीं पर दिया होगा ऑप्शन, यहाँ पर दिया है। रायपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का योजनाबद्ध तरीके से दूसरे आपको व्यक्ति को दिया जाता है 5 तरीकों से, ठीक है। इसको याद रखना। 5 क्लास कहाँ से मैं सब कुछ है भाई, यहाँ पर क्लास होगा जब यहाँ पर क्या चल रहा है, छत्तीसगढ़ चल रहा है बेटा। और आप मैं सब पूछ रहे हो तो आप बेड़ा पार हो जाएगा, इधर का रहोगे ना उधर का। ये आप कभी पढ़ोगे ना मुहावरा, घाट का ना घाट का, ऐसे आप कर रहे हो। अरिमंदन गिरी के नेतृत्व में गोंड, गोंड का मतलब होता है समझ रहे हो ना, आदिवासी गोंड, जंगल सत्याग्रह आरंभ सितंबर 1930 में, ठीक है। ये आपका जाएगा आंसर है सितंबर 1930 में। ये वाला देखिए टॉपिक, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शासकीय संपत्ति को जलाने वाला प्रमुख नेता, देखो पहली बार सुन रहा हूं मैं भी, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शासकीय संपत्ति को जलाने वाला प्रमुख नेता है, तो ऐसे याद हो जाएगा। ऐसा कौन सा नेता है जो कुछ भी फौज और संपत्ति को जला दिया? तो रघुनंदन सिंह रावले, उसको कहा जाता है सिंगरौल, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संपत्ति को जलाने, संपत्ति को जला रहा है, देखो संपत्ति को जलाने वाला प्रमुख नेता है भाई, संपत्ति को जला दे रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर डायनामाइट कांड के नायक कौन थे? आप सभी को मालूम होगा, ये आपको बिलख नारायण अग्रवाल है, तो ये काफी इम्पोर्टेंट है बिलख नारायण अग्रवाल। क्या पूछा गया? रायपुर डायनामाइट के कांड के नायक मतलब हीरो है, डायनामाइट के हीरो कौन है छत्तीसगढ़? आपको सीएमओ पूछा गया, सीएमओ एग्जाम 2015 में पूछा है। परशुराम सोनी कौन है? कौन है परशुराम सोनी, आपको नहीं मालूम क्या? जिनको मालूम है कमेंट करके बताइएगा, परशुराम सोनी कौन है कमेंट करके बताइएगा। और जिनको मालूम नहीं है ना तो चुपचाप बैठे रहिएगा। सेंसर केस के पुलिस का मुखबिर बन गया था कौन? शिवनंदन। परशुराम सोनी कौन है? ये सभी को मालूम है यार, बताने वाले आप लोग ही बताओ, मैं बताऊंगा, कमेंट करके बताओ। आप सभी के लिए पहुंचता है, प्रसिद्ध महासमुंद जंगल सत्याग्रह हुआ था उसके नेता कौन है? शंकर राव गनौद वाले, इसको तो रट डालिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। प्रसिद्ध महासमुंद में जो जंगल सत्याग्रह हुआ था, शंकर राव गनौद वाले हैं, इसको अच्छे से रट डालिएगा, है ना भाई। देखिए सत्याग्रह आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन टॉपिक लेकर आएंगे ना भाई, क्यों चिंता कर रहे हो? बाईस जनवरी 1858 को सार्वजनिक तौर पर कितने विद्रोहों को रायपुर में फांसी दी गई थी? आपको पहले बताया 1777
साथियों को फांसी दी गई थी, 17 साथियों को। इसके कहने पर है, चार्ल्स सी इलियट के कहने पर, ठीक है, कंडेनधार की सत्याग्रह 1920 से सूत्रधार कौन है? पंडित सुंदरलाल शर्मा। सूत्रधार पूछा गया है, जनक पूछा गया है इसका, सुंदरलाल शर्मा होगा। जिनको नहीं मालूम है जा सकते हो भैया। जुलाई 1920 में किसके नेतृत्व में धमतरी तहसील को कंडेल ग्राम में नहर में सत्याग्रह का आंदोलन हुआ था? बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव, ठीक है, कौन है? बाबू से याद रख लेना, बाबू है ना, बाबू कौन है आपका? छोटे लाल श्रीवास्तव। जब भी कंडे नहर सत्याग्रह का याद किया जाए या जिक्र किया जाए, ये एग्जाम में आपको पूछा जाए कि कंडेल ग्राम के डायरेक्ट फट से याद रखना बाबू, क्या याद रखोगे? बाबू। नहर से संबंधित है, किससे संबंधित है? नहर से, नहर से संबंधित है आपका बाबू, ठीक है। बाबू कौन है? छोटे लाल श्रीवास्तव, ठीक है। महात्मा गांधी कौन है? ऐसा कभी कई लोग पूछते हैं, तो ये छोटी छोटी बातें मैं आपको नहीं बताऊंगा। बेंसी मिल मजदूर आंदोलन 1920 में किसके नेतृत्व में किया गया था? आप सभी को मैं बार बार कह रहा हूं, जो बेंसी मिल मजदूर आंदोलन है 1920, सहकारिता आंदोलन के जला, सहकारिता आंदोलन का जनक पूछा गया ना भाई, कौन? ठाकुर प्यारे लाल सिंह है, तो दूसरा थोड़े ना आएगा। वर्ष 1940 में महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह का रायपुर में प्रादुर्भाव, रविशंकर रायपुर से, रविशंकर याद कर लो, ये छोड़ दो ना। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन, आपको मैं बताया था, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 20 दिसंबर 1920 और धमतरी तहसील के अंतर्गत पड़ने वाली सिहावा नगरी के आदिवासियों ने कब जनता सत्याग्रह प्रारंभ किया? 21 जनवरी 1922 को। गढ़ी कौन है? धमतरी। वर्णीय सत्याग्रह नारायण राव मेघावाले, नथुजी जगताप और छोटे लाल श्रीवास्तव। बाबू याद कर लेना, मैं बार बार बता रहा हूँ ना, बाबू को याद कर लो, आ जाएगा आंसर। 3 गांधी जी के दांडी मार्च, दांडी मार्च अब कौन है? रविशंकर। कौन है? शुक्ल। द्वारिका प्रसाद, बस यही तो है, तो ही लोग। महात्मा गांधी दूसरी बार छत्तीसगढ़ में कब आए? वर्ष 1933 आपको बताया था ना, वर्ष 1933। हरिजनों के साथ 1925 राजीव लोचन का मंदिर सुनना है ना, सुंदरलाल शर्मा लगा ना, सुंदरलाल शर्मा है, कौन है? सुंदरलाल शर्मा। बस्तर के शहीद मिट्टी उड़ी थी, गुंडा धूल। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के वानर सेना का गठन, वासुदेव रस, वानर सेना याद रखना, भगवान का नाम है ना, भगवान का नाम। जयपुर शहर में सविनय अवज्ञा आंदोलन के श्री गणेश, भगवान का ही नाम है, रविशंकर शुक्ल लगा दो ऐसी। जयपुर शहर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश शुरुआत किसने किया? रविशंकर शुक्ल। महात्मा गांधी ने अछूतों द्वार के मामले में किसे अपना गुरु कहकर सम्मानित किया गया था? तो ये सुंदरलाल शर्मा है। असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के जनता लोकप्रिय उपाधि से सम्मानित वामन राव लाके, ठीक है। ये देखिए छत्तीसगढ़ में गट्टा सिंह जी, नारायण राव, मथुजी जगताप, ऐसे याद कर लो भाई, है।
टोटल आपने क्वेश्चन किए 70 क्वेश्चन, इसका पीडीएफ आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री। तो ये अगर आप तैयारी करना चाहते हैं सभी एग्जाम है ना, एडीओ, हॉस्टल वार्डन, परिचारक, पीएससी प्री, ऑल एग्जाम, सीजी आप पीएससी की अगर तैयारी करना चाहते हैं कंप्लीट जानकारी मिलेगा। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे हनुमान सिंह है ना, पूरा आपको पीडीएफ मिलेगा भाई। और मेंबरशिप में जुड़ना चाहते हैं, पूरा अध्ययन करना चाहते हैं, कोर्स परचेस करना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं तो आपको 999 रुपया की फीस लगेगी। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। इंतजार करिएगा फिर सेकंड क्लास का, पूरा टोटल हम क्लास लेकर आएंगे है ना। तो जय जोहर संगवारी हो, वीडियो आप मतलब पसंद आए तो वीडियो ला लाइक कर दो, और चैनल है तो फटाफट लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर करो।